कोरोना काल के दौरान लगे लॉकडाउन में चंबा के महला स्थित स्टेट बैंक के स्टाफ द्वारा बेहतर कार्य करने पर स्टेट बैंक महला के शाखा प्रबंधक द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही शाखा के अंतर्गत आने वाले आसपास के ग्राहक सेवा केंद्रों को भी उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। इस दौरान भारतीय स्टेट बैंक के बिजनेस फैसिलिटेटर मंजीत सिंह जसरोटिया भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान बोलते हुए ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बैंक के सहयोग से उन्होंने लोगों तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाने के लिए कार्य किए, जिसे देखते हुए बैंक द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया, जिससे वह काफी उत्साहित है। मेरा नाम करनैल सिंह है और मैं बेसिकली ग्राम पंचायत आड़वी विकास खंड महला से बिलोंग करता हूँ और मैं पिछले दो साल से एज ए सीएसपी काम कर रहा हूँ एनएससीटी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के तहत, जो कि भारतीय स्टेट बैंक के अंतर्गत कार्यरत है। और हमारे जो सेंटर है सीएसपी सेंटर है, उसमें आधार कार्ड बेस पे 10,000 तक विड्रॉल कर सकते हैं और 20,000 तक जमा कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बैंक हैं जिनका हमारे पास लेन देन होता है। अभी पिछले कुछ महीनों से जो COVID-19 की जो महामारी चली हुई थी, उसमें भी हमारी तरफ से जितनी भी लोगों को सेवाएं, जैसे जन धन अकाउंट में जो पड़ते थे, जैसे मनरेगा की जो दिहाड़ियां लोगों के अकाउंट में पड़ती थी, उनका लेन देन के लिए हमने जो हमारा 12 घंटे का एक टाइम टेबल रहता है, जैसे 7 to 7, तो हमने अपनी तरफ से जो भरकस प्रयास किए हैं उन लोगों को, जैसे विड्रॉल करना है, डिपॉजिट करना है, तो हमने अपनी तरफ से पूरी सेवाएं दी है करते। तो इसके लिए हमारे जो भारतीय स्टेट बैंक है, तो सैनिटाइजर और जो मास्क हैं उनके लिए 1500 का जो अब हमारा जो बिल के लिए बनता था वो भी मुहैया करवा रहे थे। और बीच में जैसे हमारे जो टेक्निकल प्रॉब्लम या कुछ ऐसे ही शुरुआते थे, तो हमारी जो मेन ब्रांच महला है भारतीय स्टेट बैंक की, जो महला शाखा है, खासकर जो हमारे ब्रांच मैनेजर श्री पंकज शर्मा जी हैं, उनकी तरफ से पूरी जो सहयोग था वो मिला है। और हमारे जो फैसिलिटेटर मनजीत जसरोटिया जी, वो भी टाइम टू टाइम हमारे साथ थे वो COVID-19 महामारी के टाइम में। और जैसे जो भी हमारे को दिक्कत पड़ती थी, जैसे फ़ोन निकली बता देते थे, बस निया पे हमारे जो CSP केंद्र है वहाँ भी आकर भी हमारा पूरा शो किया है। तो आगे भी हम यही अपना जो काम है, विड्रॉल डिपॉजिट ट्रांसफ़र खाता अकाउंट जो है हमारे पास भी खुल जाता है, जन धन अकाउंट है, तो आगे जो हमारा जो ब्रांच या हमारी जो कंपनी है उनके दिशा निर्देश से जो भी हमारे को जॉब दी जाती है, हम वो अपना टाइम लिखकर कर रहे हैं और लोगों को अच्छी सुविधाएँ हमारे जो केंद्र है वहाँ से मिल रही है कर रहे हैं। तो आगे भी ये जो सेवाएं हैं जारी रखेंगे, चाहे वो महामारी हो चाहे आगे भी जो भी हमारा जो एक शेड्यूल है उसके तहत हम करते रहेंगे। इसके साथ जो एक महामारी के दौरान हमने जो 3-4 महीने में जो ट्रांजेक्शन किया है, मिनिमम मैक्सिमम 700 से अधिक हो जाती थी, और 3-4 महीने में 2100-2200 जो हमारी एक ट्रांजेक्शन थी वो हुई है। और इसके लिए हमारे अपना जो शाखा प्रबंधक है और फैसिलिटेटर तरफ से मेरे को पुरस्कृत किया गया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि चलो जितना हमसे और काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो सुविधाएँ या सेवाएँ हैं वो देने के लिए हर बार तत्पर रहेंगे। वहीं इस दौरान स्टेट बैंक महला के शाखा प्रबंधक पंकज शर्मा और भारतीय स्टेट बैंक के बिजनेस फैसिलिटेटर मंजीत सिंह जसरोटिया ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। ऐसे में लोगों तक पैसा पहुंचाना बैंकों के लिए एक कठिन कार्य था, जिसमें इन ग्राहक सेवा केंद्रों ने अहम भूमिका निभाई है, जिसके तहत इन ग्राहक सेवा केंद्रों और बैंक के अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों को बैंक द्वारा सम्मानित किया गया है। आज हमने SPI महला के अंतर्गत जो भी हमारे CSP काम करते हैं, SPI महला के अंतर्गत हमारे 5 CSP काम करते हैं, डिफरेंट मतलब विलेजेस में काम करते हैं, जो लोगों को घर द्वार उसको लेन देन की सुविधा प्रदान करते हैं। जैसा कि आपको पता है आज इस कोरोना महामारी में लोगों को आने जाने की काफ़ी मुश्किल थी, तो इसलिए बैंक ने 5 CSP जो है लोगों को उनके घर द्वार जाके सेवा प्रदान की। तो आज हमने ब्रांच में उन सभी
सीएसपी को पुरस्कृत किया है उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए। अराउंड 3,000 ट्रांजेक्शन की हैं, तो जो भी मनरेगा की पेमेंट आई है, जो भी उनकी दिहाड़ी की पेमेंट, प्रधानमंत्री ये जो गैस योजना के जो पैसे मिले हैं, वो सभी उन लोगों को घर द्वार उन्होंने प्रदान किए हैं, ताकि लोगों को कोई असुविधा प्रदान ना हो असुविधा ना हो और इस एसपी महिला हमेशा लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। मैं मंजीत सिंह जसरोटिया, बिजनेस फैसिलिटेटर भारतीय स्टेट बैंक चंबा का, आज महिला शाखा के शाखा प्रबंधक पंकज शर्मा का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आज उन्होंने एक छोटा यहाँ समारोह आयोजित किया है, जिसमें महिला शाखा के अंतर्गत काम करने वाले कस्टमर सर्विस पॉइंट के जो प्रतिनिधि हैं उनको सम्मानित किया गया। उसमें सराहनीय कार्य करने के लिए श्री करनैल सिंह जी को एक पुरस्कार दिया गया और जो दूसरे कार्यरत सीएसपी हैं उनको भी सम्मान दिया गया और उनको भी गिफ्ट दिए गए। इस पिछले लॉकडाउन की घड़ी में यहाँ के जो सीएसपी प्रतिनिधि हैं उन्होंने चंबा जिला में एक सराहनीय कार्य किया है। श्री करनैल सिंह जी ने पिछले 4 माह में लगभग 3500 बैंकिंग ट्रांजेक्शन की है और ये प्रयास किया है कि लोगों के घर द्वार जाके ये जो बैंक का जो लाभ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी हो, चाहे अनुदान हो, चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा आया हो, उन्होंने उसको पहुंचाने का प्रयास किया। और इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाते भी खोले हैं, तो एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है भारतीय स्टेट बैंक का कि गांव-गांव में जो SCSP सेंटर खोले गए हैं और उनके द्वारा जो बैंकिंग लेन देन है, जो बैंकिंग सुविधाएँ हैं, चाहे वो पेंशन का भुगतान हो, चाहे वो वेतन का भुगतान हो या प्रधानमंत्री जनधन खातों में आने वाले सरकारी अनुदान का भुगतान हो, वो निःशुल्क रूप से उन्होंने किया है, जिसके लिए वो सारे बधाई के पात्र हैं। मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा श्री पंकज शर्मा का, जिन्होंने इन लॉकडाउन की घड़ी में सैनिटाइजर के रूप में हर प्रतिनिधि को 1500 रुपये प्रति माह दिए हैं, ताकि जो इस महामारी से बचा जा सके। और जो CSP सेंटर के प्रतिनिधि हैं और सरकार की सारी योजनाओं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना हो, उसका अनुपालन कर रहे हैं और बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो मेरा ये धन्यवाद रहेगा पंकज शर्मा की ओर कि आने वाले समय में भी जो लोग अच्छा कार्य करते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाए, ताकि उनके अंदर और काम करने की मनोभावना बढ़े और वह अधिक रूप से जो चंबा शहर के ग्रामीण लोग हैं उनकी सेवा करते रहे।